की वीडियो में आपको बताऊंगा कि YouTube अवार्ड्स कितने तरह के होते हैं और ये कब और कैसे मिलते हैं। अब मैं बताता हूं कि YouTube प्ले बटन्स कैसे मिलता है और कितने सर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को हिट करने के बाद मिलता है। तो पहले नंबर पे आता है हमारा YouTube सिल्वर प्ले बटन। हाँ दोस्तों, पहले नंबर पे आता है हमारा YouTube सिल्वर प्ले बटन और ये क्रिएटर्स को तब दिया जाता है जब वो 100K सब्सक्राइबर्स को हिट करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जब कोई क्रिएटर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स को हिट करता है तो उसको YouTube प्ले बटन दिया जाता है। इसके लिए जैसे ही क्रिएटर हिट करता है तो उसको YouTube फोरम में जाके अप्लाई करना होता है कि मैंने 100 क्रॉस कर लिया है, तो YouTube उसको एक कोड भेजता है एक लिंक के साथ, फिर क्रिएटर को उस लिंक पे जाके उस कोड को पेस्ट करना होता है दोस्तों। ऐसे ही लगभग हर प्ले बटन मिलता है दोस्तों सेम प्रोसेस के साथ। तो दोस्तों, अब यहाँ बात आती है कि क्या हमें फीस देनी पड़ती है उस YouTube प्ले बटन को लेने के लिए। नहीं दोस्तों, YouTube उस प्ले बटन को आपको बाय पोस्ट भेजता है आपके दिए गए एड्रेस पे, जिसका YouTube कोई चार्ज नहीं लेता है। तो दोस्तों, अब आता है दूसरे नंबर पे हमारा गोल्ड प्ले बटन, जो दोस्तों 1,000,000 सब्सक्राइबर हिट करने पे मिलता है। तो इसका भी सेम प्रोसेस होता है कि दोस्तों आपको यूट्यूब के पास अप्लाई करना होता है कि मैंने 1,000,000 सब्सक्राइबर हिट कर दिए, फिर यूट्यूब आपको एक लिंक देता है और एक कोड देता है, आपको उस लिंक पे जाके उस कोड को पेस्ट करना होता है, फिर 1 महीने के बाद दोस्तों आपके हाथ में आपका गोल्ड प्ले बटन आ जाता है। तो दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम डायमंड प्ले बटन की। दोस्तों, डायमंड प्ले बटन 10,000,000 सब्सक्राइबर हिट करने पे मिलता है। ये भी दोस्तों सेम प्रोसेस होता है इसका भी, और दोस्तों ये अभी इंडियन क्रिएटर्स के पास, बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स के पास भी आ चुका है डायमंड प्ले बटन। अब आती है दोस्तों चौथे नंबर पे यूट्यूब कस्टम प्ले बटन की दोस्तों, जो मिलता है 50,000,000 सब्सक्राइबर हिट करने पे दोस्तों। और दोस्तों, कोई ये कमेंट में ऐसे मत बोलना कि उसका नाम तो रूबी प्ले बटन है। दोस्तों, उसका नाम रूबी प्ले बटन ऑफिशियली नहीं है, सबसे पहले प्यूडीपाई को मिला था तो प्यूडीपाई ने उसको नाम दिया रूबी प्ले बटन, तब से दोस्तों लोग उसको रूबी प्ले बटन के नाम से जानते हैं। बट उसका ऑफिशियली नाम जो यूट्यूब के द्वारा रखा गया है वो है यूट्यूब कस्टम प्ले बटन।